नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। अपनी सैनिक कुशलता के बल पर बाबर ने उत्तर भारत का काफी हिस्सा जीत लिया था, लेकिन उसका बेटा हुमायूं अपने बाप की तरह सिपाही नहीं था और बाबर की मौत के 10 साल बाद 1540 में शेर खान नाम के अफगान सरदार ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया और शेर शाह सूरी के नाम से शासन संभाला। वो आला दर्जे का प्रशासक था और जंगों के बीच में भी उसे नई मालगुजारी प्रणाली लागू करने का समय मिला। लेकिन 5 साल में ही शेरशाह की मौत हुई और हुमायूं अफरा तफरी का फायदा उठाकर ईरान से फौज लेकर 1556 में हिंदुस्तान आया। 16 साल बाद अब वो फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, मगर 6 महीने बाद ही वो एक जीने से गिरकर मर गया। जब हुमायूं राजपुताना के रेगिस्तान में शेरशाह से छिपता फिर रहा था, तब उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। हुमायूं के बाद ये बेटा बादशाह अकबर कहलाया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। बैरम खां उसका सरपरस्त और निगरान था, मगर 4 ही बरस में अकबर इस सरपरस्ती और दूसरों के इशारों पर चलने से ऊब गया और उसने अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। आइए जनाब। ये ज्वार क्या भाव है? 10 दमड़ी पर। आप चावल लीजिए, बड़े अच्छे हैं, खुशबूदार। ये बाजरा 15 दमड़ी मन। और गेहूं 20 दमड़ी मन। और घी भैया? ये क्या लगा रखा है? आपको लेना क्या क्या है? भाई बढ़िया हो सकता है, वो भी ले ये भी ले। हाँ घी 125 दमड़ी। और ये गुड़ खा 65 दमड़ी। कीमतें कुछ ज्यादा नहीं? 20 से 30% ज्यादा। क्या कह रहे हैं जनाब, आप भले मानस दिखे हैं, इसके लिए वाजिब दाम बताएं।
इसका क्या मतलब कि कीमतें बढ़ गई हैं? भाई बढ़िया, तुम मानो या ना मानो, कीमतें तो ज्यादा है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आपको लेना कितना कितना है? सब कुछ लेना है, आधा आधा मन। आधा आधा मन? तब तो कीमतें कम नहीं होगी। आधा आधा मन, इसीलिए तो कह रहा हूँ कीमतें ज्यादा है। अरे पूरा बाजार छाड़ मारो, कहीं कम दाम में मिल जाए तो मुफ्त में ले जाना। क्या पूरा बाजार चढ़ा हुआ है? क्या है भाई, अगर आपको नहीं लेना तो आप आगे बढ़ो। अब हाथ जोड़ता हूँ, आगे जाओ, जाओ। आप हमसे चाहते क्या हैं? अब आप जनाब इन श्रीमान को देखें, एक तो हमसे कर्ज लिया, ऊपर से वापस देने का नाम ही नहीं लेते। तो के बात, क्या कहा, वापस लेने का नाम नहीं लेंगे? एक तो मनमानी पर कर्ज लिया हुआ है। श्रीमान, ब्याज की दर सबके लिए बराबर है, आप कोई अलग नहीं है। हम अलग नहीं है, जानते हैं हम कौन है। अगर ये रहीस है, ये तो उलट मिर्जा है, आपके भाई के बेटे आदम खान का साथी, बदमाशों का सरपरस्त। हुजूर मेरी बात माने तो यहाँ से खिसक चले, नहीं नहीं वरना कोई पहचान लेगा। हुजूर जरा ठहरते हैं। अरे अरे भैया, ये भी कोई बात होती है? उनकी जो बात कहे सब ठीक, हमारी सही बात भी गलत, हद होती है। अरे न्याय तो उन लोगों से क्या चाहिए, न्याय परदेशियों से? कैसे परदेशी भाई? अरे दद्दा भी उस तुरक को जाते हुए नहीं देखा? बादशाह के दरबार में ऐसे ही लोग तो भरे पड़े हुए, ईरानी तुरानियों का मेला हो गया है दरबार। अगर कोई नाइंसाफी होती है तो बादशाह हुजूर से शिकायत क्यों नहीं करते? दद्दा आप क्या बोल रहे हैं, वो हमारा बादशाह नहीं, वो तो सगरे मुगल परदेशी हो। अरे बहुत सियाने हो रहे हो दद्दा, वो 30 साल से यहाँ है और 30 साल के बाद भी वो परदेशी रहेंगे। अरे भैया आप जो बात भी कहो, पर हम भी बात नहीं माने, वो तो बाहर से आया हुआ तो परदेशी है ना, हिंदुस्तानियों के बीच में उनकी कोई जगह नहीं। अरे कहाँ कहाँ, वही जिसके साथ। अरे 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 सुबह सुबह ही सुबह से चढ़ा रखे कारे। अरे बेवकूफ, जिसको उसको बादशाह ही बोल देते हो। सुना आपने, बादशाह कल भेष बदल के बाजार के मुआयने पे निकले थे। ये बात खतरे से खाली नहीं है, ये बात हमें समझाना चाहिए। श्रीमान जी, एक माने में ये अच्छा ही हुआ, जिस बात की शिकायत मैं बरसों से कर रहा था उन्होंने उसकी सच्चाई देख ली। जब खुद खरीदारी पे निकले तब पता चला कि कीमतें जमीन छोड़ आसमान पे निकल चुकी हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है टोडमल जी, इस वजह से बादशाह महसूल के कायदे में शायद ही कोई तब्दीली करें। जनाब आप वजीर आजम हैं, आप उन्हें मशवरा दे सकते हैं। जरा मेरी बात तो गौर से सुने। कहिए। अफगान शेरशाह के जमाने से देश के किसान फसल का तीसरा हिस्सा लगान में देते रहे हैं, पर अब हम उनसे अनाज के बदले नकद रकम मांग रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत तब नहीं होता जब हम उनसे अनाज की सही कीमत मांगते या उनके अनाज की वो कीमत लगाते जो गांव की मंडी में चल रही है। हम जो कीमत लगा रहे हैं वो दिल्ली बाजार के हिसाब से है, इसलिए एक तिहाई अनाज के बदले किसान जो रकम जमा कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि किसानों में असंतोष बढ़ता आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से लगान वसूली के मौजूदा कायदे को ठीक करके बादशाह हुजूर के सामने पेश करना चाहिए। जी बिल्कुल। जनाब आदम खान, कहिए क्या बात है, कोई खास बात? इस इंसान में जरा भी तमीज नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये लगातार हमारी बेइज्जती किया जा रहा है। आदम खान जरा तमीज से बात कीजिए, बेशक आप बादशाह अकबर की दाई के बेटे हैं, मगर इससे आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप बिना इजाजत यहाँ पे आए और हमारे काम में रुकावट डाले। आप इस बात को भूल रहे हैं कि बादशाह अकबर ने मुझे वजीर आजम का ओहदा दिया है, समझे आप? वजीर आजम, आदम खान बादशाह की तरफ जाने की गुस्ताखी ना करें। आदम खान सिपाहियों, दरवाजा खोलो। हुजूर, कौन है? क्या बात है निहावत? बादशाह क्या कहूँ, उन्होंने हरम में दाखिल होने की जरूरत की है। किसने? आदम खान ने हुजूर, उन्होंने वजीर आजम का कत्ल कर दिया है दरबार आम में। क्या कह रहे हो? हाँ हुजूर, उनकी लाश बाहर चबूतरे में पड़ी है। दरबार आम में कोई और है? हाँ हुजूर, राजा टोडरमल, मुनीम खान और टोडरमल से कहो कि सिपाहियों को लेकर हरम की हिफाजत करें, मैं आदम खान को देखता हूँ। जी हुजूर। दरवाजा खोलो। आदम खान, तलवार डाल दो।
तुमने वजीर आजम का कत्ल क्यों किया? क्योंकि क्योंकि आपने मुझे वजीर आजम बनाने के बजाय उस कमबख्त को वजीर आजम का ओहदा दिया था। बदमाश, तुमने हमेशा उपमौदूली की। हमने कहा था कि हारे हुए लोगों को गुलाम ना बनाया जाए, उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना किया जाए, पर तुमने हमेशा उन पर ज्यादतियां की। बताओ, तुम्हारी ये हरकतें गैर कानूनी थी कि नहीं? हम पर कोई कानून आयद नहीं होता। हम कोई मामूली दरबारी नहीं है। हम आखिर भाई है आपके। भाई 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 नहीं, तुम कमीने, नीच और गुस्ताख इंसान हो। हमारी वालदा ने आपकी परवरिश की है, आपको दूध पिलाया है उन्होंने, उनके बगैर वजूद ही क्या था आपका। बैरम खान के हाथों की कठपुतली थे आप। हमने आपको तख्त पर बिठाया, आपके बादशाहत की हिफाजत की है हमने, और अब आप हमको ही आंखें दिखाने लगे। वो बातें कब की खत्म हुई? अब मैं तुम लोगों की गिरफ्त से बाहर हूं, समझे? गलत फहमी है आपको, आप हमारी गिरफ्त से कभी भी। गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ इसे। नहीं भंता, नहीं। और जंजीरें बांध कर किले की दीवार के नीचे फेंक दो। हुजूर, अगर जिंदा बच जाए तो दोबारा फेंक दो इसे। बैरम खां, बादशाह अकबर के हक की हिफाजत करने वाला भला इंसान था, मगर उसका कत्ल कर दिया गया। बादशाह की दाई महम अनग और उसके बेटे आदम खान ने अपने हिसाब से ही अकबर बादशाह को चलाना शुरू किया। मैं अच्छी तरह जानता था कि पूरी आजादी से हुकूमत चलाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान बादशाह अकबर एक ना एक दिन जरूर अपनी दाई और उसके बेटे की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे, मगर यह उम्मीद मुझे नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी होगा और इतने भयानक ढंग से। हुकूमत चलाने और अवाम को समझने की जितनी गहरी नजर अकबर बादशाह के पास थी, उतनी तो हमारे पुराने मालिक शेरशाह सूरी के पास भी नहीं थी। बादशाह अकबर की हमेशा यही कोशिश रहती कि वो ऐसे हुक्मरान बने जिसे देश का हर छोटा बड़ा अपना माने। महारानी जोधाबाई के साथ विवाह करके उन्होंने हम सबको अचंभे में डाल दिया। फिर हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जजिया कर माफ कर दिया। मुफ्तियों और उलेमा ने इसका सख्त विरोध किया। हुकूमत की नजर से मुझे भी ऐसा लगा था कि जजिया खत्म कर देने से सल्तनत की आमदनी पर भारी असर पड़ेगा, मगर बादशाह के इस कदम से हिंदुओं का विश्वास उन पर और बढ़ गया। लड़ाई में हारे हुए लोगों को गुलाम न बनाया जाए, इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें मजबूर न किया जाए, तरक्की पसंद ख्यालों को बढ़ावा दिया जाए, मुझे पूरा विश्वास था इन सब बातों के लिए उन्हें उलेमा से जूझना पड़ेगा। मगर अकबर बादशाह को यह मालूम था कि उलेमा से कब सख्ती से पेश आना चाहिए और कब उनकी कदर करनी चाहिए। शेख मखदूमुल मुल्क, यह घटना आगरा में हुई, सरे बाजार हुई, और आप ये तो मुझे भी मालूम है, मगर यह हादसा। किस हादसे की बात कर रहे हैं मोहतरम? हुजूर, मैं पिछले दिनों आगरा के बाजार में हुए झगड़े की बातचीत कर रहा हूं। वो झगड़ा शेख मखदूमुल मुल्क के लोगों ने भड़काया था। सरासर झूठ है ये। दंगे के जिम्मेवार मीर हफ्श थे, उन्हें अपना सिला मिल गया है। जांच से पता चला है हुजूर कि मीर हफ्श खुद को काजी समझते थे, पर सरे बाजार न जाने क्यों शेख मखदूमुल मुल्क के लोगों ने उनका कत्ल कर दिया, और फिर तो खून की होली छिड़ गई। हुजूर, वो अपने आप को काजी समझता था,
दरअसल वो था एक मुनसिर, एक महदवी। राजा बीरबल शायद हमारी बात नहीं समझ सकेंगे, मगर आप यकीनन समझेंगे। वो मुसलमानों को भड़काता था, इसलिए हमारे आदमियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और यही फसाद का कारण बना। हाँ हुजूर, ये महदवी बेहद खतरनाक होते हैं और सच्चे मुसलमानों के भेस में छिपे रहते हैं। हमने एक और देहरिये को बेनकाब किया है जो इज्जतदार मुदर्रिस माने जाते हैं और नौजवानों के दिमाग में जहर घोलते रहते हैं। उनका नाम है शेख मुबारक, और हमारी अर्ज है कि उसे उलेमाओं के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। नहीं 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 नहीं, शेख मुबारक को देहरिया कहना उनका अपमान है, वो तो एक रोशन दिमाग आलिम है। हमारा भी यही ख्याल है, ऐसे बुजुर्ग के लिए ऐसी दुश्मनी भरी बातें करना ठीक नहीं। हुजूर, वो शरिया की मुखालफत करता है और फिर खुद को शरिया का सच्चा हिमायती भी मानता है। हमें उससे सवाल जवाब करने और उसके झूठे यकीनों की असलियत जाहिर करने का पूरा हक है। हम मजहब के सरपरस्त हैं, हमसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। आपसे आपका कोई हक नहीं छीन रहा जनाब। सल्तनत के हर छोटे बड़े मजहबी मामले में आपके मशवरे लिए बगैर हम एक कदम भी नहीं उठाते। माफ करना हुजूर, हमारा ख्याल ऐसा नहीं है, वरना आप जजिया खत्म करने के मुतालिक हमसे मशवरा जरूर करते। देखिए वो सियासी मामला है, शेख मुबारक का बर्ताव मजहबी है, उसका फैसला करने का हक आपको है। तो हुजूर, उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे आगे पेश करने का हुक्म जारी करें। जैसा आप चाहें। हुजूर, क्या इस दुनिया का अंत आ गया है कि खफ्ते लोग चैन से जिए और भले इंसान दुख सहने के लिए मजबूर किए जाए? क्या यही आपके दरबार का न्याय है? बीरबल, हम सियासत से जुड़े हुए आदमी हैं, मजहबी मामलों में दखल अंदाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं। उलमा की राय है कि शेख मुबारक काफिर हैं, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए। हम कर भी क्या सकते हैं, आप शेख मुबारक को बुलाएं और उलमा के साथ उनकी बैठक का इंतजाम करें। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखो बरायनी। कहो कैसे आना हुआ? जनाब बुरी खबर है, दरबार से मेरे दोस्त ने खबर की है कि उलेमा ने बादशाह से आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करवा लिया है। सुबह तक यहाँ सिपाही आ जाएंगे जनाब। मेरे दोस्त की सलाह है कि आप तब तक कहीं छुप जाइए जब तक आपके हक में लड़ने के लिए दरबार में आपके हमदर्द इकट्ठे नहीं हो जाए। बदायूनी, माना कि दुश्मन ताकतवर है पर खुदा हर पल चौकस रहता है, और जब एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता है तो जालिमों का सामना करने में खौफ की क्या बात हुँ? और फिर उलेमा साबित क्या करेंगे हुँ? हमारे वालिद मोहतरम ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो मजहब के खिलाफ हो। अबू फजल, तुम बात को नहीं समझते हो, शरीयत में किसी भी तब्दीली को गुनाह माना जाता है, और महदवी फिरके की तरफ शेख मुबारक का रुझान कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो क्या महदवी का वजूद मजहब के खिलाफ है, कुफ्र है? अरे इतनी तंग नजरी क्यों बताई नहीं? एक ही चीज को देखने के कई नजरिए भी तो हो सकते हैं, और इस्लाम में भी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बताए गए हैं। माफ करना मेरे भाई, तुम रट्टू तोते की तरह बात करते हो। उल जरूल फलसफे में उलझे रहने वाले तुम इस्लाम के बारे में क्या समझते हो? बस कीजिए बदायूनी, मैं भाई की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद क्या हैं? उलेमा के हाथ की एक कठपुतली। बाबा आपने आस्तीन में एक सांप पाला है। सांप? बहुत हुआ, चुप करो। तुम सब लोग मेरे शागिर्द हो या एक दूसरे पर झपटने वाले वैसी जानवर? मगर बाबी जुबान काबू में रखो, और फैजी तुम भी। बदायूनी मेरी बात समझो, कोई भी मजहब या कोई ईमान अपने आप में पूरा नहीं होता, और यह भी कहना गलत होगा कि उसमें कोई काम की बात नहीं। अगर मैं किसी नए ख्याल की तारीफ करता हूं तो मुझको गलत नहीं समझना चाहिए हु? बादशाह मुझको समझते हैं, इसीलिए किसी उलमा के सामने पेश होने में न मुझे कोई डर है न शर्म। मोहतरम, मैंने फर्ज मानकर आपको आगाह किया है, ठीक है, बाकी आपके हाथ में। सुबह तड़के सिपाही आए, मगर हम पहले ही घर छोड़ चुके थे। हम न मिले
तो गुस्से में आके उन्होंने हमारे मकान का अगला हिस्सा ही तोड़ दिया और वो चौकी भी तोड़ डाली जिसपे बैठकर मैं शागिर्दों के सामने तकरीर किया करता था। हमारा भाग निकलना शायद ठीक ही था मगर जवान बादशाह अकबर पे यकीन करने की मेरी ठोस वजह है। जिस दिन बादशाह अकबर 20 बरस के हुए उन्हें एक रूहानी तजुर्बा हासिल हुआ। यकायक उन्हें लगा अपने अंदर रूह में एक खालीपन का एहसास हुआ और यह मायूसी कई दिन तक रही। और जब मैंने यह सुना तभी मुझे अंदाजा हो गया कि बादशाह के दिमाग में ईमान को लेकर के एक जद्दोजहद चल रही है, वही कमोबेश जो मुझे बरसों से सता रही है। यही वो ठोस वजह है जिसके बिना पे बादशाह अकबर से जहनी तौर पर वो मुझे समझ सकेंगे। सूफी संतों के बीच भी बादशाह अकबर ने अपनी दिमागी उलझनों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की। वो हर बरस अजमेर शरीफ जाते और वहां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकते और हां वो सलीम चिश्ती के मुरीद भी बने जो आगरे के करीब सीकरी गांव में एक चट्टान की छाया में रहते थे। हजरत ने बादशाह अकबर की मुराद पूरी की और उन्हें दुआ दी कि उन्हें 3 बेटे होंगे और बरस भर के अंदर ही जोधाबाई ने शहजादे सलीम को जन्म दिया। बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि दारुल सल्तनत सिकरी के करीब बनवाई जाए मगर पूरी तौर पर सुकून उन्हें हजरत सलीम चिश्ती से भी न मिल सका। कुछ ही दिनों बाद मेरे बड़े बेटे फैजी ने मुझे पैगाम भिजवाया कि हालात अब आपके हक में हैं, अब आप आगरे वापस चले आए। उसी दरमियान बादशाह अकबर ने गुजरात फतह की और इस खुशी में एक शाही जश्न का ऐलान किया। तभी मुझे लगा कि बादशाह के रूबरू होकर अपने ख्यालात का इजहार करने का यह एक सुनहरा मौका है और मैं बादशाह उस अजीम हस्ती के न्याज हासिल करने चल पड़ा। गुजरात पर फतेह को यादगार बनाने के लिए हमने फैसला किया है कि अपनी नई दारुल सल्तनत का नाम फतेहाबाद रखेंगे। बधाई 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 जहां पना। आज जबकि सारी दुनिया आपको मुबारकबाद दे रही है मुझे आपके लिए एक इल्हामी पैगाम सुनाई दे रहा है। पैगाम जाहिर करें शेख मुबारक। हुजूर कुछ इस तरह की गैबी आवाज सुनाई देती है। फानी दुनिया पे बादशाह अकबर ने बखूबी फतह पाई इसलिए उन्हें रूहानी दुनिया का आला पेशवा मुंतखिब किया जाता है। जहां बना आपसे गुजारिश है कि मजहब में कदामत परस्ती को खत्म कर अकलमंदी को बढ़ावा दें। वाह इस मौके पर आपका यह पैगाम सबसे निराला है। इससे वाकई हमें बड़ी ताकत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुजूर यह है मेरा शागिर्द कादिर बदायूनी और यह है मेरा बेटा अबुल फजल। अगर यह भी आपके बड़े बेटे फैजी की तरह अच्छा बोलते हैं और इनके ख्यालात आपकी तरह उमदा हैं तो यह भी हमारी दरबार की रौनक बढ़ाएंगे। जहां अपना बहुत बहुत शुक्रिया। हां तो जनाब वो अमीर भरे दरबार उठ खड़ा हुआ और मुझसे ऊंची आवाज में उसने पूछा कि हम सब तो गोरे चिट्टे पर आप काले क्यों। मैं समझ गया कि जनाब मुझसे जलते हैं और मुझे हुजूर की नजरों में गिराना चाहते हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि मोहतरम आपके सवाल का जवाब तो बेहद आसान है। जब खुदा ने रंग बिरंगी तितलियां बनाई मछलियां बनाई परिंदे बनाए जानवर बनाए तब भी उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ बेशकीमती तोहफे थे। चुनांचे उसने आदमी हाँ आदमी बनाया और आदमी से उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसे लेने के लिए खुद मेरे पास आना पड़ेगा। तो खुदा के दरबार में एक तरफ शक्ल बट रही थी एक तरफ अक्ल बट रही थी और एक तरफ दौलत। तो भाई मैं तो सबसे पहले वहां पहुंचा जहां अक्ल बट रही थी। और अक्ल लेने के बाद जब मैं खूबसूरती लेने के लिए पहुंचा
तो खूबसूरती खत्म हो चुकी बीरबल की हाजिर जवाबी का लेकिन एक मिनट, लेकिन वो हमारे दोस्त जो दरबार में बैठे हैं और बेहद खूबसूरत हैं, जब अक्ल लेने के लिए पहुंचे तो अक्ल खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे दरबार में वीर बल जैसा तेज दिमाग कोई नहीं। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? क्यों नहीं, हम चहलकदमी के लिए चले हुजूर। यहाँ चहक लिए थोड़ी चहलकदमी भी हो जाए। चलिए। शुक्रिया। हुजूर, महफिल से आपको इस तरह उठा लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल मैं चाहता था कि दरबारी बातों से हटकर कुछ बातें हो सकें। कोई गहरी बात लगती है राजा टोडरमल? सल्तनत के इंतजाम के लिए कहीं आप ज्यादा रकम की मांग तो नहीं करना चाहते? जी नहीं हुजूर। हुजूर, कुछ महीने पहले प्रयाग के पास एक जागीर में कुछ गांव वालों ने मिलकर बगावत करने की कोशिश की। बागी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जागीरदार उनका शोषण कर रहा है। गुस्से में आकर बागियों ने जागीरदार के कारिंदे की हत्या भी कर दी। गांव के मुखिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। बागी, मुखिया और जागीरदार को मैंने यहां बुलवाया है। हुजूर, एक बात मैं आपको बता दूं, वो दोनों ये नहीं जानते कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके सामने बोलने से वो हिचकें। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा टोडरमल, माफ करें, मेहरबानी करके बताएं आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं कई दिनों से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इस तनहा जगह में मुझे इस शख्स के साथ रहना पड़ रहा है जो कि एक मुजरिम है। श्रीमान जी, आप घोड़े से नीचे उतरिए और जरा तमीज से बातें कीजिए। इस समय आप जहांपनाह अकबर के सामने खड़े हैं। हाँ कहो, तुमने जागीरदार के खिलाफ बगावत क्यों की? हुजूर, हम कहो, डरो मत। हुजूर, जो जागीर में हमार गांव है, उसकी कीमत हर साल 20,000 रुपया सालाना तय की गई रही, और ये रकम हम बिना नागा किए जागीरदार साहब को देते रहे। पिछले साल जागीरदार बदले और ई नवा जागीरदार भाई, और इन्होंने अदायगी की रकम 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी। हम पंचन इनसे अर्ज कर लें कि सरकार ई रकम चुकावे खातिर हम पर जुर्म ना करो, पर ई ना माने। हमार छोटे छोटे बाल बच्चा है, हम इतना कहे लेकिन ई ना माने। पिछले साल तो हम 30,000 रुपया कैसे जुगत करके इनके दे दिए, पर इस साल तो सरकार हमारी सगरी फसल बाढ़ में बह गई। सरकार, हम कहां से चुकाते हैं? पर इन्होंने जोर किया तो हमार कुछ गुस्सल मनई ने गुमाश्ता का कत्ल कर दिया। हुजूर, हुजूर हमें माफ करें, माफ करें सरकार। क्यों जी, आप एक बरस की अदायगी माफ क्यों नहीं कर देते? हुजूर, इसमें मुझे बहुत मुश्किल होगी। जब ये जागीर मुझे सौंपी गई थी तो इसकी कीमत 30,000 बताई गई थी, मगर बाद में पता चला ये जागीर 20,000 से ज्यादा की नहीं है। अब मुझे तो 30,000 के हिसाब से अपना हिस्सा जमा करना है। मैंने 300 घोड़े और कई आदमी भी रखे हैं। मगर जागीर की कीमत में इतना इजाफा कैसे हो गया? हुजूर, गलती जागीर की कीमत आंकने वाले हाकिमों की है। जब किसी अमीर को कोई जागीर पसंद नहीं आती तो हाकिम उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। लालच में आकर अमीर वो जागीर ले लेते हैं और किसानों से बढ़ी हुई रकम मांगते हैं। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। टोडरमल जी, जी हम सोच रहे थे कि आपके रहते हर चीज कायदे से चल रही है, अब आप बताइए कि हम क्या करें। हुजूर, हमें किसानों से सीधे मालगुजारी वसूल करनी चाहिए, अमीरों की मार्फत नहीं। तो मालगुजारी इकट्ठा कौन करेगा? हुजूर, हमें चाहिए कि हम हाकिम मालगुजारी का नया ओहदा तैयार करें।
चुने हुए लोगों को तालीम दें और पूरे मुल्क में मालगुजारी इकट्ठा करने का एक आम तरीका बनाएं। नए हाकिमों को एक ही कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा और उन्हें एक ही खिताब दिया जाएगा। हाकिमों के लिए पुरानी चली आ रही भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि गुजरात के किसी हाकिम का तबादला अगर पंजाब कर दिया जाए तो भी पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी नई जगह पर काम कर सकेगा। इससे तो जागीरों की अहमियत कम हो जाएगी, मगर अमीर और जागीरदार इसको कैसे लेंगे? फिर इस मुद्दे पर बहस के कई दौर चले। आखिरकार सल्तनत को 12 सूबों में बांटा गया। हर सूबे में एक सूबेदार रखा। जमीन की नापजोक के लिए हमने एक ही कानून बनाया। इससे फायदा यह हुआ कि किसानों को कारिंदों की मेहरबानी पर जीना नहीं पड़ा। इस तरह खेती की तरक्की के लिए हमने किसानों को बढ़ावा दिया। इससे राजस्व में वृद्धि हुई और हुकूमत की ताकत बढ़ी। यह जरूर है कि यह सब करने में बरसों लगे, मगर इससे सल्तनत को एकजुट रखने में काफी मदद मिली। हम गुजरात के रास्ते से अपनी फौजें का बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द हालात सुधर जाएं। हुजूर, हम अपनी फौजों को वापस नहीं बुला सकते। क्यों? बैठे मेवाड़ी सेना को खतरों है। मौका पाते ही राणा प्रताप हम पर टूट पड़ेगा। राणा प्रताप सिंह, राणा और उसके चंद सिपाही जब चाहे हमारी सल्तनत की फौज पर हमला कर सकते हैं। ये शर्म की बात नहीं है। राणा अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुआ? हुजूर, वो अपना बेटे ने भेजने को तैयार है। हमें उसके बेटे की जरूरत नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि वो खुद हमारे सामने हाजिर हो। राजा मानसिंह, हुकुम। आप हमारे दूत बनकर उसके पास क्यों नहीं जाते? आप नहीं जिमेंगे? मानसिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम तो राजपूत स्त्री ने उन मलेच्छों का ब्याहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहां बासारा दूत रिहैसी से इठे आया हूं। निजी झगड़े वास्ते मारे पास समय को नहीं। मान सिंह, जब तारो बादशाह मने संदेश देनो चाहे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूध बना के, जिनका पूरा खानदान मारो चाकर रहे हो है। राणा, साफ कहूं, मैं यहां अपनी और बादशाह हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। घमंडरा बादल से बाहर हो और पास सारा हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बजाओ। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जावेगी और सल्तनत री फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मानसिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर सामने सिर नहीं झुकावेगा। मारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वजरी महान परंपरा सू मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचे हो कि हम बात सारी सेवा क्यों कर रहा है? कारण के थे सब देश द्रोही हो, कायर हो, कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें। और हम यह भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। मान सिंह, कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो। आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार रिवाज से आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे हैं तो लूटपाट भी आपके वास्ते मुश्किल हो गया। मारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ, आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे।
अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में, हर चीज, पर सम्मान को नहीं। और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए हैं मान सिंह, धुरी बराबर। आप रो सम्मान कोई नहीं छीन रहे हो राणा जी, आप ही बताओ हमारे परिवार के सम्मान में के कमी हुई है। थारे खानदान ने जिन सम्मान ने स्वीकार किए है उनसे हर राजपूत रो सिर शर्म से झुक गए है। ऐसा है तो सारे राजपूत हमारे जयपुर रे संगीत काव्य पूजा पाठ री परंपरा का अभी तक पालन क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा अपमान सल्तनत द्वारा किया गया होता तो ऐसा क्यों है? राणा जी सच्चाई ने समझवारे की कोशिश करो। अकबर बादशाह सम्मान रो असली मतलब समझे हैं, जद ऐसो ना हो तो हम उन्हें इतना महत्व भी ना देवे। कुछ भी कहो मान सिंह, मारे वास्ते तू एक कायर, बेशर्म और देशद्रोही है। बेवार कभी उन रास्ता पर नहीं चल सके जो तू बता रहे हो है। तो ठीक है, आप प्रोविडेंट संदेशा में बादशाह ने पहुंचा दूंगा, पर चाहते चाहते एक सलाह देऊं, आप युद्ध की तैयारी करके रखो। सब जल पात्र ने तोड़ डालो, जल में उस नीच ने पानी पियो, जठे को बैठो, थोड़ी जमीन ने खोद डालो। मैं नहीं चाहूं कि मेवाड़ कोण जैसे देशद्रोही की छूत लगे। जब बादशाह ने पता लाग्यो कि राणा प्रताप ने मारी बेइज्जती की है और हाजिर होने से इंकार कर दियो है, तो उन्होंने हुक्म दियो कि मैं सल्तनत री फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दूं। मारे साथ बीकानेर और बूंदी रा राजकुमार था, राणा प्रताप के संग भील, आदिवासी और दिल्ली पर अपनी हुकूमत रा ख्वाब देखने वाला अफगानियों रा खिचड़ी दल। राणा प्रताप ने साकरी हल्दी घाटी के मुहाने पर अपना जमाव कर रखियो था, जिनसे वो हमारी फौज ने पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। उस रोज माने लगे कि हम हार गए हैं, पर राणा जी ने भी एक भूल कर दी। लड़ाई राजोश में आके उन्होंने अपनी जगह छोड़ समतल पर आ गए। फिर क्या, राजपूतों के हारने में देर कोनी लागी, राणा जी को मैदान छोड़कर भागनो पड़ो। फिर बरसों तक वो मारे रास्ते रा काटा रहा, पर उन्होंने बादशाह रे सामने सर कोनी झुकायो। उनरा दृढ़ निश्चय और साहस देखकर बादशाह ने उन्हें सताना बंद कर दिया और मेवाड़ री पहाड़ियों में भटकवारे वास्ते छोड़ दिया। कुछ बरसों बाद पता लाग गयो कि राणा जी की मृत्यु हो गई। उस रोज ऐसा लाग गयो कि मारे शरीर रा कोई हिस्सा खो गयो है। दुखरी बात यह है कि उस जैसा साहसी और गोड़वाना री रानी दुर्गावती जैसे स्वाभिमानी शासकों को भगोड़ा होके मरनो पड़ो। पर बादशाह रा विरोध करके एक तरह से उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं चुनिया था। शेख मुबारक, आप यहां नहीं बैठ सकते, आपको यहां भी दरबार के कायदे से ही बैठना चाहिए। अब्दुल नबी सही फरमा रहे हैं, मुझे लगता है उलमे हजरत अगर मक्के शरीफ की तरफ रुख करके बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये दरबार नहीं है बदायूनी। नहीं, इन्हें यहां नहीं बैठना चाहिए। देखो, यहां बैठना ठीक नहीं, इस जगह पर सैयदों का हक है, वो रसूल के खानदान से हैं, सबसे ऊंचा दर्जा है उनका। क्या बादशाह से भी ऊंचा? ओछी बातें मत करो फजल। अपने वालिद से कहो अपना गिरेबान झांक कर देखें, एक नाचने गाने वाले दरवेश से भी गए गुजरे हैं ये। सब्र करिए जनाब, बादशाह सलामत को तशरीफ लाने दीजिए, वो खुद फैसला करेंगे। ठीक है, तब तक इस बारादरी में कोई नहीं बैठेगा। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहस मुबाहिसा शुरू भी कर दिया। हुजूर, हमारी बहस का मुद्दा यह है कि इस बारादरी में बैठने की तरतीब क्या हो। तशरीफ रखिए आप। हुजूर, कार्रवाई शुरू करने से पहले एक अर्ज करनी है कि एक संगीन मुद्दा दरपेश है। बाद में, पहले हम आपको यह बता दें कि हमने आपको यहां क्यों बुलाया है। एक अरसे से ये सवाल हमें सता रहा है कि एक बादशाह की जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ लड़ाइयां जीत कर ताकत हासिल करना ही है। हम
एक अरसे से जिंदगी और मौत को समझने और खुदा जो इनका मालिक है उसको जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब भी हम मजहबी दानिशमंदों से बात करते हैं तो भरम और भी बढ़ जाता है। एक फिरका कहता है कि ऐसा होता है, दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं होता है। तब आप ही बताइए कि खुदा की राह में भटकने वाले इंसान को इससे कितनी तकलीफ होती होगी। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हर जुमारात को हम और तमाम मजहब के दानिशमंद यहां इकट्ठा होंगे और सच्चाई को समझने और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वाह, पर मेरी एक अर्ज है आपसे कि जज्बात को अपने दिमाग और फैसलों पर हावी ना होने दें। वाह, तो फिर आज से इस खूबसूरत बारादरी को इबादत खाना कहेंगे। हुजूर, वो बैठने के इंतजाम के बारे में? दरबार में जो आपका ओहदा है वो यहां मायने नहीं रखता। यहां आप दरबारी नहीं हैं। लेकिन हुजूर, इसका फैसला हम पहले कर चुके हैं। मैं पूछता हूं, बैठने का सारा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? कम से कम उलेमा के बैठने के लिए खास जगह मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत है, इनसे कहे कौन? और उलेमा की यह तौहीन बादशाह की बुत परस्तों से दोस्ती का नतीजा है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की मजलिस में बैठकर बहस करने से सच्चे ईमान का कुछ भी भला होगा। बाद में हुआ यह कि मजहब के हर पहलू को लेकर झगड़े की हद तक बहस होती रही, लेकिन एक आम राय फिर भी कायम नहीं हो पाई। अक्सर कई सवालों पर बादशाह को मुतमईन करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। बताएं नहीं, आपकी क्या राय है? उलेमा तो एक आम राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम क्या मुता की इजाजत देता है? हुजूर, ये काजी साहब पर मुनहसर करता है। अगर काजी साहब उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं जहां के मुता की इजाजत है तो इसे कानूनन सही मान लिया जाएगा, वरना मुता शरीयत के कायदे के खिलाफ है। वाह, खूब, क्या सीधा और साफ जवाब है। शाबाश बदायूनी। इसके बाद बादशाह के दिल में मेरे लिए जगह बन गई और फिर तो वो अक्सर मुझसे मशवरा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वो बेदीन अबुल फजल मुझसे जलने लगा। वो बुतपरस्तों की तरफ बादशाह का जो गलत झुकाव था उसको बढ़ावा देने लगा। जैन, हिंदू, यहां तक के जरथुष्ट भी इबादत खाने की बहस में शामिल होने लगे। क्या इन काफिरों से हमें अपने दीन की हिफाजत नहीं करनी चाहिए थी? और फिर एक दिन सुनने में आया कि बादशाह जरथुष्टियों की तरह आतिश परस्त भी हो गए हैं। उलेमा पर हमले बढ़ने लगे। एक दिन बादशाह ने खुद आलिम अब्दुल नबी की मुखालिफत की, जब अब्दुल नबी ने एक ब्राह्मण को रसूल के खिलाफ बोलने पर सजाए मौत सुनाई। हनफी कानून में साफ कहा गया है कि अगर कोई काफिर जिसने खुद को मुस्लिम हुक्मरान के सुपुर्द कर रखा है रसूल की तौहीन करे तो हुक्मरान को रियाया की हिफाजत की जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं मिल जाती। शेख अब्दुल नबी अबू हनीफा के फिक्र से वाबस्ता हैं, फिर क्यों अपनों के खिलाफ हो रहे हैं? मुमकिन है उस बदकिस्मत बिरहमन को फांसी का हुक्म सुनाते वक्त अब्दुल नबी इस कायदे से वाकिफ ना हो, मगर क्या वो अभी भी वाकिफ नहीं हुए? वो खुद यहां मौजूद होते तो सवाल का बेहतर जवाब दे पाते। हुजूर, नहीं, जवाब आपको देना है। आप लोग कानून और ईमान को जानने का दावा जो करते हैं। हुजूर, शेख अब्दुल नबी एक आलिम इंसान हैं और जरूर कोई वजह रही होगी जो उन्होंने रवायत के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया है। शेख मुबारक, आप मुझे मशवरा दीजिए कि मैं उलेमा के साथ कैसे पेश आऊं, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कानून का इस्तेमाल किसी एक मजहब के फैलाव के लिए करना ठीक नहीं है। बादशाह सलामत, आप इस दौर के रहनुमा हैं, सुधारक हैं, आला पेशवा हैं। किसी भी मामले में हुक्म जारी करने के लिए
उलेमा की जरूरत नहीं, आपको ऐलान करना चाहिए कि आप शरीयत के आखिरी फैसला कुन हैं। उलेमा से एक खत ले लीजिए जिसमें इस बात की तस्दीक की गई हो। हिंदुस्तान के किसी भी बादशाह ने पहले कभी ऐसा किया है? जी हुजूर, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। हाजरीन, है खुदा की मेहरबानी जो मुझे शाही मिली, जोर बाजू को मिला और दिल को दानाई मिली, अदल और ईमान का रास्ता दिखाया काम में, रहनुमाई की मेरी इंसाफ में नाम में। क्या बयां हो उसकी रहमत, अकल से वाला है वो, शान है जिसकी जलाली, अकबर वाला है वो। हाजरीन दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांदीद, ये पादरी मोंसेरात हैं, ये रोडोल्फो एक्वाविवा और मैं हेनरिकस। दुनिया का एक नक्शा कबूल करें। गोवा के आला पादरी ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। हमें अंदर बुलवाया है। हुजूर, पादरी मोंसेरात आपको इंजील का तोहफा देना चाहते हैं। इस नायाब तोहफे को पाकर हमें बेहद खुशी हुई। आपकी देखभाल का काम हमने अबुल फसल को सौंपा है। आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। हमारी तरफ से ये चंद मोहरें कबूल करें। हुजूर, दौलत की हमें चाह नहीं, इसे कबूल करने की इजाजत हमारे मजहब में नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत आपने हमारे लिए जाहिर की है उसके लिए शुक्रिया। क्यों आप पैगंबर ईसा को खुदा मानते हैं? क्या वो इंसान नहीं? वो इंसान भी है और खुदा भी। उनकी रास्ते पर चलकर हम धर्म की ताकत बढ़ा सकते हैं। मगर एक बात बताइए, आप शादी न करके आदम से शुरू हुए जन्म के सिलसिले को रोक नहीं रहे? अब सच सच बताइए, आपकी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि आपके अपने बच्चे हों? ये कहना गलत है कि हमारे बच्चे नहीं है। जिन्हें हम ईसा का उपदेश सिखाते हैं वे सब हमारे बच्चे बन जाते। वे उन बच्चों से कम नहीं जो शरीर से पैदा होते हैं। अगर आप रुडोल्फो और मेरे सब बात मानकर ईसाई धर्म को कबूल कर ले तो आप हमारे बेटे होंगे, हुमायूं के नहीं। जो हम मां बाप मानते वे सिर्फ एक शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन जो आपको ईसाई बनाता वह शरीर में आत्मा को जन्म देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माफ कीजिए, मैं आपकी बात को मानने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से हर मजहब के अपने रीति रिवाज हैं,
हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी यहूदी सभी मजहबों की अपनी खास तालीमें हैं, लेकिन फिर भी अजीब बात है कि एक खास मजहब को मानने वाला अपने मजहब को दूसरों के मजहबों से ऊंचा समझता है, ज्यादा इज्जत देता है, बल्कि यही नहीं वो दूसरों पर दबाव डालता है कि उसी के मजहब को कबूल करें। जो ऐसा नहीं करते उसे सिर्फ नीची नजर से ही नहीं देखता, अपना दुश्मन भी मानता है। यही सब बातें हैं जो मेरे दिलो दिमाग में शुभा पैदा करती हैं। जनाब, मैं तो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहता हूं, ताकि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे आपकी मर्जी जनाब। इस जवाब के साथ ईसाई धर्म के फैलाव के लिए हमारे यहां आने का मकसद ही खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है बादशाह कोई सच्चा धार्मिक खोज में हमें यहां नहीं बुलाए, लेकिन सिर्फ कुछ नई नई बातें जानने के लिए, या फिर हमारी आत्मा पर चोट करने का एक शरीफाना अंदाज था, या शायद यीशु का मर्जी नहीं। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप समझ सकेंगे कि मैं जिस दीन इलाही का ऐलान करने जा रहा हूं उसके माने क्या हैं। राजा मानसिंह जी, आप इस दीन इलाही के शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे? हुजूर, मैं तो अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलता हूं। शागिर्दी का इससे बड़ा प्रमाण को नहीं दे सके, पर जब इसका मतलब कोई और धर्म से है तो एक बात साफ है, मैं हिंदू हूं, पर आप हुक्म करो तो मुसलमान भी हो जाऊंगा। इन दो धर्म को छोड़ मारे को और कोई धर्म को नहीं दिखे। राजा मानसिंह, डरने की कोई बात नहीं। तीने इलाही को कबूल करने के लिए किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं है। फिर भी आपका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि इस नए मजहब के बारे में लोगों के दिमाग में कोई गलतफहमी है। तीने इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर बादशाह के लिए इंसाफ और अपनी रियाया के लिए बेहतरी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। तकरार तब शुरू होती है जब हुक्मरान हुकूमत के मसलों को नजरअंदाज करके दीगर मामलों में उलझ जाते हैं। जी जनाब। क्यों खुदा हक। और ठीक वैसे ही जब कोई मजहबी सल्तनत के मामलों में हिदायत देने लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारी सल्तनत कदामत परस्ती का शिकार बन जाए और उसका इस्तेमाल सिर्फ किसी एक खास मजहब की तरक्की के लिए किया जाए। जब ऐसा होता है तो सल्तनत की तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की तब भी नहीं होती जब हुक्मरान मजहब और सियासत के बीच में झूलने लगता है। आपने ठीक कहा हुजूर, एकदम ठीक। इसलिए हम ये तीने इलाही का ऐलान कर रहे हैं। इसको कबूल करने वाले के लिए चार चीजों की कुर्बानी देना जरूरी है, और वो चार चीजें ऐसी हैं जिनसे आम लोग बेहद मोहब्बत करते हैं। बताओ अब्दुल फजल। तीने इलाही कबूल करने वालों को अपनी तमाम जायदाद, जिंदगी
शहरत और अपने अकीदे को बादशाह के नाम कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। तो बताइए, आप में से दीने इलाही का पहला मुकल्लिद कौन बनना चाहता है? हुजूर, क्या ये शर्फ मुझे हासिल होगा? बरसों तक अकबर ने अनेक धर्मों के आलिम और आचार्यों से अपने बहस मुबाहिसे जारी रखे, यहां तक कि वो सब उससे उकता गए और उन्होंने अकबर को अपने मत में मिला देने की आशा भी छोड़ दी। जब हर एक मजहब में सच्चाई का कोई पहलू था तो अकबर किसी एक को तरजीह कैसे देता? उसका मकसद क्या था यह साफ तरह जाहिर नहीं होता। क्या वो इस सवाल को सिर्फ सियासी नजरिए से देख रहा था? एक साझी कौमियत की खोज में क्या वो मुख्तलिफ मजहबों को एक ही धारे में मोड़ना चाहता था, या उसकी तलाश का मकसद रूहानी था? मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसका रुझान एक धार्मिक सुधारक से ज्यादा एक सियासतदान का था। अकबर ने अपने अतराफ ऐसे गुणी जनों का हलका जमा किया जो उसकी जात और उसके आदर्शों से दिली लगाव रखते थे। उसका दरबार सारे मजहबों का गहवारा बन गया और उन सब लोगों का जो किसी नए ख्याल या तरीके में दिलचस्पी रखते थे। उसके दौर में उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम तहजीबी इत्तेहाद ने बहुत तरक्की की। अकबर खुद हिंदुओं में भी उतना ही मशहूर था जितना मुसलमानों में। इस वजह से मुगलों का राजवंश हिंदुस्तान में जड़ पकड़ गया और यहीं का कहलाया। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वर्ता हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, पहली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।